हाँ जी, क्या हाल है दोस्तों। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में इतने सारे गैजेट सामने आए, इतने सारे मोबाइल्स लॉन्च हुए कि यार अगर मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो वीडियो नहीं, वो वेब सीरीज ही बन जाएगी। मगर फिलहाल के लिए हमारे पास वीडियो का ऑप्शन है, तो फटाफट से एक वीडियो बना देते हैं। दोस्तों काफी टाइम से ना जो एक मिड अफोर्डेबल रेंज होती है ना मोबाइल्स की, उसमें जो मोबाइल्स लॉन्च तो हो रहे थे मगर जो लॉन्च हो रहे थे उनमें वो वाली बात नहीं दिख रही थी हमें कि यार इस पर मैं इतना खर्चा कर रहा हूं तो बिल्कुल ही वर्थ इट वाली परफॉर्मेंस आ रही है, बिल्कुल ही मुझे सेटिस्फेक्शन हो रहा है। मगर अब फिलहाल कुछ ऐसे नए फोन आए हैं पिछले कुछ 2-3 महीने में लॉन्च होने वाले थे या फिर लॉन्च हो चुके हैं, जिनमें हमें अब फिर से वो बात दिखाई दे रही है कि हाँ भाई मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे उस चीज का सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 मोबाइल फोन्स के बारे में जो कि 20,000 की रेंज में आने वाले हैं। और फटाफट से इस वीडियो को सेव कर लो ताकि आपके काम आ जाए, और अपने उस दोस्त को भेज दो जो कि नया मोबाइल लेने की सोच रहा हो। फटाफट से काउंटडाउन शुरू करते हैं, लेट्स ट्रैक असिस्टेंट। दोस्तों इस वीडियो में जो भी 5 फोन है वो एक बेसिक क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं ताकि आपको एक बेटर वर्जन मिल सके इसी रेंज में। इस क्राइटेरिया में आता है सबसे पहले 5000 mAh की बैटरी, फिर आता है आपका 8GB RAM और 128GB ROM, 120Hz की AMOLED डिस्प्ले और एक बेसिक नीड यानी कि एक ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो दोस्तों हमारा पहला फोन है IQ Z9, 6.67 इंच FHD AMOLED स्क्रीन है इसकी, MediaTek Dimensity का 7200 का इसमें प्रोसेसर लगा है। इस रेंज में गॉड लेवल हो गया, ये गेमिंग में भी अच्छा कहलाएगा। और 5000 mAh की बैटरी है, 44W का चार्जिंग मिल जाएगी आपको। बैक कैमरा 50+2MP का है और 16 MP का आपका फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। एंड्रॉइड 14 है इसमें और इसकी प्राइस रेंज है 19,999 और ये आपको 2 साल के अपडेट तक दे रहा है। हमारा अगला फोन आ जाता है Poco X6। दोस्तों इसका डिस्प्ले बहुत ज्यादा खतरनाक है, 1.5K का रेजोल्यूशन, वो भी एमोलेड डिस्प्ले। डायमेंसिटी का प्रोसेसर इसमें नहीं है, इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 लगाया गया है। 64+2+8 का OIS ट्रिपल कैमरा सेटअप है आपके पास रियर में और 16 MP का आपको फ्रंट कैम मिलेगा। 1500 mAh की बैटरी है और 67W का चार्जिंग है। मगर यार इसमें एक ही ड्रॉबैक है, इसमें एंड्रॉइड 14 नहीं, इसमें एंड्रॉइड 13 है, क्यों है पता नहीं मगर एंड्रॉइड 13 है, यही इसका एक ड्रॉबैक है। और इसकी प्राइस रेंज है 20,999, ऑनलाइन आपको एक्सचेंज ऑफर्स वगैरह मिल ही जाएंगे तो आप इसको डेफिनेटली इस बजट में खरीद सकते हैं। अगला फोन हमारा आ जाता है लावा का ब्लेज कर्व 5G। नाम में ही कर्व है इसलिए बॉडी भी कर्व है, कर्व एमोलेड डिस्प्ले वाली है। MediaTek Dimensity का 7050 का प्रोसेसर लगा हुआ है, 64+2+8 का रियर कैमरा और 32 MP का है इसमें फ्रंट कैम है। 33W चार्जिंग दे रहा है, स्टीरियो स्पीकर्स भी है, हाँ एंड्रॉइड इसमें भी 13 ही लगाया गया है। मगर प्राइस काफी सही है, आपको ये 18,999 में मिल जाएगा इसका 8128 वाला वेरिएंट। 2 साल तक इसमें अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे तो और इस प्राइस रेंज में काफी ज्यादा बढ़िया फोन है। दोस्तों हमारा अगला फोन जो आता है वो इस कैटेगरी में फॉल तो करता है मगर फॉल नहीं भी करता है। तो कहना क्या चाहते हो, समझ नहीं आया ना। दरअसल बात ये है कि जो हमारा अगला फोन है वो है Nothing Phone 2A। ये फोन जब लॉन्च हुआ था तब ये 19,999 का था, यानी कि इस प्राइस रेंज में फॉल करता था, मगर ये उसी दिन तक के लिए ऑफर था। अब जो इसका करंट प्राइस है वो है 23,999, जिसके चलते ये आ रहा है हमारे जो 25K तक के बजट जो होता है उसमें फॉल करता है। मगर अगर आपको कहीं पे भी कैसा भी ऑफर मिल रहा है, एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है, चाहे आपको बैंकिंग ऑफर मिल रहा है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कहीं पे भी, तो आपको अगर ये थोड़ा सा भी प्राइस कट हो रहा है इसको, ये आपको 20 या 21 में मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली ये लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो यही कहूंगा कि ये फोन बहुत बढ़िया है इस प्राइस रेंज में। अगर बात कर लें इसकी स्पेक्स की तो इसमें भी आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, MediaTek Dimensity का 7200 का प्रोसेसर मिल जाएगा और Android 14 है इसमें। अगर आप इसका प्राइस 20K तक पूल कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं कर पा रहे तो फिर ये बजट में एग्जिस्ट नहीं करता। Shit. और इसी साथ आ जाता है हमारे काउंटडाउन का आखिरी फोन जो कि है Realme का 12+5G जो कि लेटेस्ट लॉन्च है। स्पेक्स की बात कर ले तो इसमें भी 6.67 इंच का FHD प्लस डिस्प्ले लगाया गया, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, 50+8+2 का रियर कैमरा सेटअप है और टेलीफोटो लेंस भी मिल जाएगा आपको, वाइड एंगल भी मिल जाएगा, कैमरा क्वालिटी काफी बढ़िया है। फ्रंट कैम आपको 16 MP का मिल जाएगा इसमें, प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है डायमेंसिटी का 7050 और 5000 mAh की बैटरी है विद 67W चार्जिंग। Realme UI 5 है इसमें, प्राइस इसका 20,999 तक का आपको ये पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये थे वो 5 फोन जो कि 20,000 की कैटेगरी में फॉल करते हैं और सारे के सारे एक से बढ़कर एक है, आप किसी को भी आंख बंद करके उठा सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप कौन सा फोन लेने वाले हो या लेने की सोच रहे हो, या अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी और मोबाइल के बारे में या किसी और रेंज में आपको कोई और फोन देखने हैं उस पर मैं कोई और काउंटडाउन बना सकता हूं तो आप मुझे उसके बारे में भी बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि ये वाली कैटेगरी का काउंटडाउन लेके आइए। मैं बजट के अकॉर्डिंग रिसर्च करके फिर से आपके लिए 5 फोन का काउंटडाउन लेके आ जाऊंगा। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग टेक असिस्ट।